कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, जबकि वेदों में कहा गया है प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। वही वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, हर जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रभु नहीं है। ऐसे समझे जिसको ईश्वरीय शक्ति का इतना सा भी अनुभव ना हो और उसे आप कहोगे निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगा ले तो वो नहीं लगा सकता। अगर ज्यादा दिन बैठ भी गया ना तो उसका मन नहीं लगेगा, अशांत रहेगा। इसलिए आधार की आवश्यकता इस मन के लिए। तो फिर क्या कहा कि भैया परमात्मा का एक विग्रह लें, उस विग्रह को देखकर मन को साधने का प्रयत्न करें, उनको देख करके उस झांकी को अपने मन के अंदर बसाएं तो मन बड़े आराम से लगेगा। और ये तो महाराज आज की साइंस भी प्रूव कर चुकी है। क्या प्रूव किया है आज की साइंस, जिस विज्ञान को हम लोग बोलते हैं कि वो अगर बता दे, प्रमाणित कर दे तो हम मान लेंगे, वही विज्ञान कहती है कि इस मन पर शब्द से ज्यादा चित्र का बड़ा गहरा प्रभाव है। आप शब्द से कोई चीज इस मन पर बोलो, ये आप उस शब्द में से भी 5% याद रखेंगे। अब आप इसलिए कथा का जो वक्ता सुनाता है उसका केवल 10% श्रोता सुन पाता है। कितना? केवल 10%। लेकिन चित्र का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव है। किसी चीज का आपने चित्र देख लिया तो बस महाराज वो मन ने तुरंत पकड़ लिया। अगर चित्र का अगर देखकर आपने कुछ चीजें समझी होंगी तो क्या होगा, उस चित्र की वजह से आप पर 80% प्रभाव पड़ेगा।